दोस्तों मैं वन रक्षक सुनील कुशवाहा और आज मेरी नाइट ड्यूटी मुझे जाना है। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मुझे अकेला रात में जंगल में रहना है, घनघोर जंगल में अकेला, दूर दूर तक कोई नहीं है, केवल जंगली जानवर। दोस्तों कुछ चीज़ें जैसे मेरा ये पर्स है वो ले जाना मुझे कंपलसरी है। इसमें पैसे हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। साथ में ये बैग जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हेलमेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, पानी की बोतल गर्मियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घड़ी दोस्तों ये नहीं है, मुझे अपनी स्पोर्ट वॉच चाहिए जो मुझे हमेशा मेरे बीपी वगैरह नापती रहे। दोस्तों एक पेन भी ज़रूरी है, मुझे पेन ले जाना बहुत कंपलसरी है। साथ में मेरी एक चाबी और दोस्तों फेरेलवली मैं कमी लगाता हूँ क्योंकि चेहरा वैसे ही बहुत काला है साथियों, और ये कुछ पाले ले जाता हूँ साथ में खाने के लिए। चलिए दोस्तों अपनी घड़ी टाइट करके अपने शूज पहन के निकलते हैं अपने मिशन पर। दोस्तों पूरा वीडियो आपको रात में दिखाने वाला हूँ और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। दोस्तों ये मेरी गाड़ी GPS स्पोर्ट जो कि अच्छा एवरेज देती है, तो ठीक है दोस्तों बने रहिएगा और देखते हैं रात मेरी आज कैसे निकलती है। तो दोस्तों आ तो चुके हैं, आप देख सकते हो कि कितना घना जंगल है। ये देखिए आप हो सकता है ठीक से नहीं देख पा रहे हो, आप ये इसको देखिए, ये है हमारे चंदा मामा और इन चंदा मामा की वजह से थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। देखिए वो उधर आपको वो दिख रहा है ना, थोड़ा सा बदल उधर है इसलिए वो दिख रहा है उसके ऊपर। और ये देखिए ये आपको पहाड़ी दिख रही होगी। तो दोस्तों यहाँ आज मुझे पूरी रात निकालनी है, और क्यों निकालनी है क्योंकि उसका कुछ रीज़न है जिसको मैं बता नहीं सकता, कुछ पर्सनल फॉरेस्ट का एक काम है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको रिबिल्डिंग किया जाता। आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं मुखबरी टाइप की कर रहा हूँ और मुझे यहाँ छुप कर रहना है, किसी को ये नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ। हालाँकि हमारे पूरे स्टाफ को पता है कि मैं कहाँ हूँ, तो अब वो स्टाफ की कुछ बातें हैं, कुछ डिपार्टमेंट की बातें हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन बस बात यही है कि मुझे पूरी रात यहाँ रहना है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो जगह है यहाँ तेंदुए और जो भालू हैं ये दो हिंसक जानवर हैं जिससे हमें बच के रहना होगा। इसके अलावा दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं है, लकड़बग्घा है, सियार है, ये सब इंसानों पर अटैक नहीं करते। तेंदुए करता है लेकिन वो बहुत ही कम करता है, हमेशा नहीं करता, वैसे आसपास होगा तो मुझे देख के भाग जाएगा, लेकिन वो कभी कभार करता है, कुछ कंडीशन है और पता है कब करता है वो, लेकिन उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि पूरी रात यहाँ निकालनी है तो मैं कहाँ रुकूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसी जगह बैठना होगा, ऐसे रुकना होगा जहाँ पर मुझे तेंदुआ देख ना सके, या देख ले तो उसको मैं दिख जाऊँ कि ये इंसान है, कुछ जानवर नहीं है। आप अटैक जब करता है तेंदुआ वगैरह, जब उसको लगता है कि ये कोई जंगली जानवर है, इंसान नहीं है, तभी आप अटैक करेगा। बाकी और कुछ कंडीशन होते हैं, उसके बच्चे साथ में हों उसके तेंदुए के, या फिर उसके दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो करता है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पशु वगैरह होते हैं तो उनका आराम से शिकार कर लेता, तो भूख की प्रॉब्लम तो है नहीं है। बाकी बस यही है कि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जंगली जानवर हूँ, और उसको ऐसा लगेगा कि मैं जंगली जानवर हूँ तो अटैक कर सकता है। इसलिए मुझे ऐसी जगह देखनी होगी जहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मुझे वो मतलब मुझे मॉनिटर कर पाए, मुझे देख पाए कि ये कोई इंसान है, ये जंगली जानवर नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो घड़ी में टाइम है लगभग 8:00 हो चुके हैं, मतलब रात बहुत हो चुकी है। अब आप कहोगे कि रात बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, दोस्तों आपके हिसाब से नहीं हुई है लेकिन जंगल के हिसाब से बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। आप देख सकते हो ये एरिया है और ये चारों तरफ आप देख रहे हो ना, ये खैर के पेड़ हैं दोस्तों, ये खैर के पेड़ बहुत सुंदर हैं और आप देख सकते हो कि क्या है। और यही वो पेड़ हैं जिनके अंदर एक डार्क वाला पार्ट होता है, उससे कत्ता बनाया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, कत्ता जो आप उसमें पान में और चूने के साथ घिस के खाते हैं, कत्ता वो होता है ना, उसी को कत्ता बोलते, तो इसी से बनाया जाता है ये पेड़ है वो। हमारे जंगल में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है कत्ता, खैर का पेड़ आप देख सकते हो, ये भी एक खैर का पेड़ है। ठीक है, तो चारों तरफ आप जो भी देख रहे हैं दोस्तों सारे सारे वो खैर के पेड़। तो मेरे प्यारे साथियों रात में लगभग 12 बज चुके हैं और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मच्छरों से, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आगे पानी भरा हुआ है तो यहाँ मच्छर बहुत हैं, तो काट काट के साला खून निकाल दिए मच्छर। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, मैं यहाँ बैठा हूँ नीचे तो यहाँ चिंटी बहुत निकल रही हैं, मैं इसके अलावा उधर कहीं बैठ नहीं सकता, क्योंकि अगर उधर बैठूँगा तो दोस्तों उसको मतलब मैं चाहता हूँ मैं चौरे में दिखूँ, अगर कोई जंगली जीव मुझे देखता है तो मैं चाहता हूँ मैं उसको चौरे में दिखूँ, मतलब साफ जगह में दिखूँ, तो मुझे पहचान सके कि ये इंसान है, उसके ये नहीं लगना चाहिए कि मैं जानवर हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर मैं घूमूँ फिरूँ, चलता फिरता रहूँ, बैठता हूँ तो किसी जानवर को लगेगा कि सर ये बैठा है तो ये कोई जानवर है, जंगली जानवर है, मैं इसका शिकार कर लूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चलता रहूँ, लेकिन जब थक जाती हैं तो दोस्तों बैठना पड़ता है। तो रात के 12 बज चुके हैं और ये मच्छर यार दोस्तों एक प्रॉब्लम और आ रही है मेरे साथ,
मैं पानी तो लेके आया था लेकिन मैं कुछ खाने के लिए लेके नहीं आया। तो अब चूँकि रात में जग रहा हूँ तो भूख भी लगने लगी है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भूख का क्या करूँ। रात में जंगल में कुछ ढूंढ नहीं सकता खाने के लिए, वैसे खाने के लिए बहुत कुछ होगा लेकिन रात में नहीं मिलेगा, बहुत से फल फ्रूट लगे होंगे लेकिन रात में नहीं जा सकता मैं। तो थोड़ा सा और देखिए समय निकालते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, रात के लगभग 2 बज चुके हैं, तो मैं वहाँ से उठ के यहाँ आ चुका हूँ। देखिए यहाँ क्या है कि ये पुल है और मुझे पता है कि यहाँ पुल पर जंगली जानवर नहीं आएंगे, जो भी जंगली जानवर होंगे वहाँ नीचे से निकल जाएंगे। आप देख सकते हो ये पूरा पानी भरा हुआ है, रात में आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो लेकिन ये पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए चाँद जो है वो उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रहा है, तो आप उसको देख सकते हो, ये पूरा पानी का एरिया है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर जगह है, आप देख सकते हो ये पेड़ पौधा आप ठीक से दिख नहीं रहे होंगे। तो भूख जो लगी थी तो मैं भी नीचे गया था, उसका ऊपर आ गया। मुझे कुछ खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ मिली, इसका नाम है तेंदू। एक पेड़ था और तेंदू लग रहे थे तो खा लिया मैं। खाते खाते फिर बाद में याद आया कि मैं वीडियो तो बना ही नहीं पाया, खा ही लिया, क्या करें अब। पानी भी पी लिया और बस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से 4 बज जाएँ, उसके बाद मैं 5, उसके बाद मैं सूर्य निकल आएगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। बहुत ही टफ होता है दोस्तों पूरी रात निकालना, वो भी जागते जागते। देख सकते हो ये पुल है, किसी ने टक्कर मार दी, टूट गया था। और ये रोड है, अभी रोड पर बैठा हूँ मैं, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से निकला हुआ है। और ये महाराष्ट्र उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कई ऐसी जगह होंगी यहाँ पर बहुत सारे तेंदुए वेंदुए पानी पीने के लिए बिल्कुल आ रहे होंगे। तो आप जंगली जानवरों की आवाज़ सुन सकते हो, जंगली जीवों की, बिल्कुल शांत होकर सुनिए 2 मिनट, आपको बहुत ही प्यारा फील होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अब कितना टाइम और लगता है और जल्दी से हम अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। तो साथियों मैं उस जगह आ चुका हूँ जो दिन में आपको ऐसी दिखती है और रात में आपको ऐसी दिखती है। तो दोस्तों मैं वहाँ आ चुका हूँ और अभी सुबह 4 बज चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इधर आगे जाके एक नीचे चाय की दुकान है, ढाबा है। तो अब मुझे लगता है कि मेरा जो काम था वो लगभग ख़त्म होने वाला है, तो अभी जाऊंगा वहाँ चाय की दुकान पर और चल के वहाँ चाय पीते हैं। तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी लेकिन सो नहीं सकता, डर लग रहा था, जंगली जानवरों की आवाज़ बहुत ख़तरनाक आ रही थी। तो नीचे चल के बढ़िया चाय पीते हैं, थोड़ा सा आपको वहाँ भी चाय दिखाऊंगा कि चाय कैसे बनती है, देखते हैं कि खुला भी है कि नहीं खुला, वो देख। चाय बना रहा होती है यार, सुबह 4 बजे कोई कितनी बजे आ चाय मिल जाती है 24 घंटे क्यों? तो साथियों हालत बहुत ख़राब हो गई है, जब सुबह होने वाली है और आप देख सकते हो पीछे सुबह निकलने वाला है। तो चलते हैं घर और सुबह का नाश्ता करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। देखते हैं नाश्ता में क्या मिलता है आज, सो तो पाया नहीं है, नाश्ता वास्ता करके बढ़िया खाना वाना खा के फिर सोएंगे दिन भर। तो ठीक है वो दोस्तों, बने रहिएगा।